ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। मल मास कौन है, अधिक मास कौन है, हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मरने के लिए, केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर मल मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार कर। अब समझने वाली बात देखिए शिव महापुराण की, सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता, अब समझिएगा। अब जो मलमास है को मलमास कहते हैं। एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास, 12 महीने से ज्यादा हो गया मलमास है। कोई भी देवी देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मल मास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया, तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना आए, सावन के महीने में मल मास, तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे, अगर सावन के महीने में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो। श्रावण का महीना जब आएगा तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे, जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता। जो शिव दिलाएंगे, जो घरदानी दिलाएंगे, वो कोई नहीं दिला सकता। करो सम्मान, मलमास मलमास रो रहा है, सावन का महीना, आपको पहले भी कथा में कहा था, सारी समस्या का हल, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, दो लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता। दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, तुम वो करो, क्या रखा है कावड़ ले जाने में, क्या रखा है शिव जी पे जल चढ़ाने में। हम उनको कहना चाहेंगे, कभी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, कभी मौका मिले तो स्कंद पुराण पढ़िएगा और स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की ये कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिएगा, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर था मलमास, जिसको लोग छोड़ दिए, अब शब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में दो लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया।
दो लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है। रात में सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर हाथ में जल लेकर बैठा शिव जी को समर्पित करने के लिए, शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन। शंकर भगवान ने पूछा तो पार्वती जी कहती है, मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिप को मारने के लिए एक महीना अधिक करा था, एक महीने को आगे बढ़ाया था, ये मलमास या अधिक मास एक महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र धोल दिया, जल का पात्र धोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं, देखो राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये भी देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये है, तो कोई कहे भगवान ये है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को ये मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जान, उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्त तिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें सात जगह अर्थात सात तिथियां ऐसी हैं जिस दिन पांच दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, पहली है पंचमी तिथि, अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सात तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संयोग होता है इसमें ये सात तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं सात जिन तिथियों में अगर हम पांच दीप घृत के घी के पांच दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो, और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है
जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए, तो भगवान का स्मरण कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर पांच दिए इन तिथियों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये सात तिथियों पर जो पांच दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक होता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ही होता है, बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, अषाढ़ का आ गया या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये पांच तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी पंचमी हम दो ले, दो पंचमी आएगी, दो एकादशी का वर्णन आ जावे तो हम कौन से, तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो सात तिथियों में एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको कर। मंग मास ने प्रार्थना कर शिव जी आकर दर्शन, सावन का महीना मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर प्रार्थना। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।